जय हिंद दोस्तों। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फॉर द प्रैक्टिस सेट 13। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। हमने एचसीएफ देखे थे कि एचसीएफ में क्या क्या फाइंड आउट करना रहता है। जो आपके सिमिलर नंबर रहते हैं आपको बस वही लिखना रहता है। बट एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर रिपीटेड है आपको वही नंबर एज इट इज़ लिखना रहेगा। तो हम वन बाई वन करेंगे। जैसे अभी फर्स्ट वन दिया है, हम फैक्टराइजेशन के मैथड पर करेंगे कि फैक्टराइजेशन में कैसे हो सकते हैं। फैक्टराइजेशन में 12 फर्स्ट वन कौन से टेबल में जाएंगे, 12, देन 12 सिक्स ज़ा 12, देन 2 थ्री ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3। और 15 कौन से टेबल में जाएंगे, 3 के टेबल में, राइट। 3 फाइव ज़ा 15, 5 वन ज़ा 5, राइट। सो 12 का फैक्टराइजेशन कहेंगे 2, 2, 3। और 15 के फैक्टराइजेशन 3, 5 एंड 1, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप एलसीएम लिखेंगे, राइट। अब जो नंबर जितने टाइम रिपीटेड है आप उसको वन टाइम लिखेंगे, जैसे ऊपर और नीचे। अभी देखिए यहाँ 2 टाइम रिपीटेड है, तो राइट द 2 टाइम। देन 3 वन टाइम, 5 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 थ्री ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60। तो आपके एलसीएम क्या आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, राइट। ये आपके एलसीएम फाइंड आउट करने का आइडिया है। देन सेकेंड वन हम करेंगे, 6 देखेंगे कौन से टेबल में डिविजिबल होते हैं। फर्स्ट वन 2, 2 थ्री ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, यस डन। देन 8, 2 फोर ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, देन 2 वन ज़ा, राइट। और 10 देखेंगे, 10 कौन से टेबल में डिविजिबल होंगे, 2 फाइव ज़ा 10, देन 5 वन ज़ा 5, राइट। तो 6 के फैक्टर लिखेंगे 2, 3, 1। 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 1, 2, 3 एंड 1। और 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 2, 5 एंड 1, राइट। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम बताइए क्या आएंगे, फर्स्ट वन एलसीएम 1, 2, 3, राइट ओनली 1 टाइम। और कुछ रिमेनिंग है, यस ये दो रिमेनिंग है, हाउ मेनी टाइम, 1 एंड 2, 1 एंड 2, राइट। और कुछ पॉइंट ये हो गए 3, 5, 3, 5 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, राइट। 24 देन मल्टीप्लाई बाय 5 क्या जाएंगे, 4 5 ज़ा 20, रिमेनिंग ऑफ 2, 5 टू ज़ा 10, 10 11, 12, ये आपके 12 आ जाएंगे। सो एलसीएम आपके क्या आ जाएंगे, 120। सो एलसीएम आपके 120 आएंगे। अब हम थर्ड वन फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वन क्या है, 18। 18 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 नाइन ज़ा 18, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3। 32 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 से करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 एट ज़ा 16, देन 2 फोर ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, देन 2 वन ज़ा 2, राइट। अब फैक्टर लिख लेंगे, 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 2, 3, 3 एंड 1, राइट, 1 लास्ट में 1 है। और 32 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, देन इंटू 1, राइट। अब आपके एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएंगे, 2 हाउ मेनी टाइम, 1, 1 टाइम। तो ये आप 1 टाइम लिखेंगे, ये 1 टाइम हो गए। और कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देन 3, 3, 3, 3, राइट, इंटू 1, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, ये आपके 32 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू ज़ा 18, 18 का 1, 27, 27, then 1, 28। सो आपके आंसर आ जाएंगे 288। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवेन है, 10, 15 एंड 20। ओके, 10, 15 और 20, इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे वन बाय वन। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप इजीली बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे एक मेथड है 10, 15 और 20, कौन से टेबल में डिविजिबल होंगे आप बता सकते हैं मुझे। 2 के टेबल में सब आएंगे, नहीं,
टू के टेबल में नहीं आएंगे। अगर फाइव लेंगे तो सब टेबल में आएंगे, राइट। फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, राइट। अब कौन से टेबल में जाएंगे, टू के टेबल में। टू वन ज़ा टू टू ज़ा देन थ्री एज इट इज़, और टू के टेबल में टू वन ज़ा टू, थ्री के टेबल में थ्री वन ज़ा थ्री, राइट। ऐसे लिखेंगे तो आपके फैक्टर क्या आएंगे, फाइव टू टू देन थ्री एंड वन, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो फाइव टू ज़ा टेन, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ा सिक्सटी, तो आपके एलसीएम आ जाएंगे सिक्सटी, राइट। अब ये फाइंड आउट करेंगे फोर्टी फाइव एंड एटी सिक्स, डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको रैंडमली वैसे सॉल्व करना है, इट मीन्स वन बाय वन फैक्टराइजेशन, तो वो भी ठीक है। तो 45 के फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे या 3 से, ठीक है 3 से डिवाइड करते, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, देन 3 फाइव ज़ा 15, 5 वन ज़ा 5। 86 के फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, 2 फोर ज़ा 8, 2 फोर ज़ा 8, 2 थ्री ज़ा 6। अगेन कौन से टेबल में डिविजिबल होंगे, 43 देन उसके बाद 43 वन ज़ा 43। अब वन बाय वन एलसीएम लिखेंगे, फर्स्ट वन 45 के, 45 के एलसीएम क्या आएंगे, 3 3 5 एंड 1। 86 के एलसीएम 2 43 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे सो एलसीएम इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, नौ फाइव ज़ा 45, देन 2 90, 90 से 43 का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एट सेवन ज़ीरो, तो आपके आंसर आ जाएंगे 3870, ये आपके एलसीएम आ गए। अब इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे 61 और 71। तो 61 हम फैक्टराइजेशन के बेसिस पर करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे 61, तो इजीली हमारा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन 15, 30 और 90, राइट। कौन से टेबल में डिविजिबल है, 3 के टेबल में, 3 फाइव ज़ा 15, 3 वन ज़ा देन 3 थ्री ज़ा, अगेन 5 के टेबल में, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा देन 5 सिक्स ज़ा, 2 के टेबल में, 2 वन ज़ा 2 थ्री ज़ा देन 3 के टेबल में 3 वन ज़ा, राइट। तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, एलसीएम, एलसीएम आपके आएंगे 3 5 2 3, 3 टू ज़ा 6, 6 फाइव ज़ा 30, 33 थ्री ज़ा 90, राइट। तो आपके एलसीएम आ गए 90, राइट एलसीएम। अब सेवन्थ वन करेंगे, सेवन्थ वन क्या है, 105, 105 के फैक्टर्स करेंगे कि डायरेक्टली करेंगे, ठीक है डायरेक्टली करते, 195 कौन से टेबल में डिविजिबल होंगे, 3 के टेबल में, राइट। 3 वन ज़ा 3, कैरी फॉरवर्ड 3 फाइव ज़ा 15, देन 3 सिक्स ज़ा 18, कैरी फॉरवर्ड 3 फाइव ज़ा 15, अगेन 3 से जाएंगे, अगेन 5 से जाएंगे, 5 थ्री ज़ा 15, देन 5 वन ज़ा 5, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन 5 वन ज़ा 5, कैरी फॉरवर्ड ये 15, 5 थ्री ज़ा 15, राइट। देन 3 वन ज़ा 3, 13 वन ज़ा 13, तो आपके एलसीएम क्या आएंगे, 3 3 5 एंड 13, मल्टीप्लाई करेंगे 13 फाइव ज़ा 65, देन 3 थ्री ज़ा 9, 585, सो आपके एलसीएम आ रहे हैं 1365। आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। ओके नाउ
एट वन करेंगे 12, 15 एंड 45। सो कौन से टेबल में डिविजिबल है? 3 के टेबल में। 3 फोर ज़ा 12, 3 फाइव ज़ा 15, 3 वन ज़ा 3, कैरी फॉरवर्ड 3 फाइव ज़ा 15। देन अगेन 5 के टेबल में 5 वन ज़ा देन 5 थ्री ज़ा एंड 4। सो 4 वन ज़ा 4, 3 वन ज़ा 3, राइट। तो आपके एलसीएम आ जाएंगे 3, 5, 4, 3। 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 12 5 ज़ा 60, 60 3 ज़ा 180। तो आपके एलसीएम आ जाएंगे 180, राइट। ये आपके एलसीएम आ गए। अब नाइन्थ वन करेंगे। नाइन्थ वन क्या दिया हुआ है? 63 और 81 दोनों 9 के टेबल में आते हैं। यस आते हैं। 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा, देन 9 9 ज़ा 81, राइट। फिर 7 का 7 1 ज़ा 7, 9 1 ज़ा 9। तो आपके एलसीएम आ जाएंगे, एलसीएम 9 7 9, 9 9 ज़ा 81, 81 देन मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 8 7 ज़ा 56। तो आपके एलसीएम आ गए 5 6 7। अब क्वेश्चन नंबर 10th वन हम इसी में करेंगे। 10th वन आपके क्या आ जाएंगे? 18 36 और 27, राइट। तो हम डायरेक्टली करेंगे 18 36 और 27। फैक्टराइजेशन करेंगे, कौन से टेबल में डिविजिबल है? 3 के टेबल में, राइट। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, देन अगेन 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, देन 2, 2 1 ज़ा, देन 2 2 ज़ा, देन 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, ये हो गए आपके। तो आपके LCM आपके LCM आ जाएंगे 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 and 2 into 1, 3 9 27 27, then 4 108। तो आपके एलसीएम आएंगे 108। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।